बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 1 रैशनल नंबर्स, इसकी यूनिट चेक 1 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। तो नीचे हमें एमसीक्यूज़ दिए गए, इसमें हमने करेक्ट ऑप्शन को जो एनसर्कल करना है। पहली जो पार्ट है वो है पहला पार्ट, मिक्स्ड नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू, जो भी मिक्स्ड नंबर्स होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं, उनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, किस टाइप ऑफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखना, जब भी हम मिक्स्ड नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं तो वो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होता है सबसे पहले। दूसरा पार्ट है एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3/5 इज। देखिए, एडिटिव इन्वर्स में हमने याद किया था एक्सरसाइज में कि नेगेटिव अगर कोई भी नंबर हो तो अगर उसका एडिटिव इन्वर्स निकालना तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अगर माइनस वाला नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। पार्ट सी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/3 इज। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने एक्सरसाइज में किया था कि अगर कोई नंबर है, फ्रैक्शन है, तो उसको उल्टा कर देना है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी 1/3 है तो 3 को ऊपर ले जाए, 1 को नीचे, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर 3 है। दी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर इज, रैशनल नंबर्स जो होते हैं इनकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो उसमें हमने किया था कि जो भी रैशनल नंबर होते हैं उनकी जो आइडेंटिटी है वो होती है 1। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है रैशनल नंबर की वो 0 होती है। वो हमने इस तरह की थी कि कोई भी नंबर अगर हो तो उसमें कौन सा नंबर अगर ऐड करे तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 है। तो 0 जो है वो असल में एडिटिव आइडेंटिटी है कि जिसको किसी भी दूसरे नंबर में ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ता। पार्ट ई है इसका 2 1/5 -1 3/10। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि इन दो फ्रैक्शंस को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9/10। फिर इन द ब्लैंक्स है ए प्लस माइनस ए। अगर ए में हम माइनस ए ऐड कर दें तो क्या आएगा, 0। ये हमने पढ़ा था एडिटिव इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक नंबर है और उसका नेगेटिव नंबर उसमें ऐड कर दिया जाए तो 0 आएगा। ये ऐसे ही है जैसे समझ लें 5 में प्लस कर दें -5 तो 0 आता है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर इज, रैशनल नंबर की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। 1 एक ऐसा नंबर है, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है। अगला है 3/5 × 6/7 इज इक्वल टू 6/7 × 3/5 शोज दी डैश प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये देखिए, दो नंबर है, मल्टीप्लाई करें, दूसरी तरफ इनकी जगह चेंज होगी, तो जिसमें जगह चेंज हो जाए और दो नंबर हो, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। पार्ट डी है दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज। तो एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। दी टोटल मास ऑफ 5/3/4 ऑफ शुगर एंड 2/3/8। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं, इसमें हमने क्या करना है, इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर देना है 5/3/4, और जो दूसरी है जो राइस की क्वान्टिटी है 2/3/8, तो इसको हम ऐड कर देते हैं और हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो है 8/1/8। क्वेश्चन नंबर 3 है शो दी गिवन रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जिनको हमने नंबर लाइन पे जो है वो ड्रॉ करना है। तो पहला इसका जो पार्ट हमारे पास है वो है ए पार्ट है 3 -5 8 -1। तो आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, सेंटर में 0, और राइट साइड पे जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, और पॉजिटिव नंबर में जो आपके पास सबसे बड़ा नंबर है वो है 8, और माइनस में जो सबसे बड़ा नंबर आपके पास यहाँ पे आ रहा है वो -5 है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे पास सारे नंबर्स आ चुके हैं जो कि इस नंबर लाइन पे हमने मार्क करने, एक -5 है, एक -1 है, एक 3 है, और एक 8 है। तो ये सारे नंबर्स इस पर हमने मार्क आउट कर दिए। अगला है 1.5 -3.7 3.2 -1.4 -4.5। तो इसके लिए नंबर लाइन बना लें आप, और सेंटर में 0, और पॉजिटिव आप चले जाएं 2, 3, 4, और माइनस में भी आप चले जाएं -3, -4 और -5। तो अब जो पहला नंबर है वो है 1.5, तो 1.5 जाहिर सी बात है वो 1 और 2 के दरमियान होगा। तो यहाँ पे आप क्या करें, आप ये जो 1 से 2 तक की जो लाइंस है ना, इसके दरमियान 9 जो है वो छोटी लाइंस ड्रॉ कर लें। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वीं ये वाली लाइन होगी। तो 1 से 2 जो होता है ना पॉइंट वाले नंबर के लिए, तो आपने क्या करना है कि 10 लाइनें जो होनी चाहिए,
तो ये 9 मैंने ड्रॉ की और 10वीं ये 2 वाली है, तो अब मेरा जो है पॉइंट नंबर जो है वो है 1.5। तो यहाँ से काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, ये जो पांचवी लाइन है ना ये है 1.5। दूसरा है -3.7। अब -3.7 जाहिर सी बात है -3 और -4 के दरमियान कहीं बनेगा, तो इसमें भी आप 9 लाइनें ड्रॉ कर लें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वीं ये लाइन है। अब यहाँ पे आपके तो ये 9 लाइनें मैंने ड्रॉ कर ली और 10वीं ये लाइन है। अब यहाँ पे हमारा नंबर है -3.7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7वीं लाइन है ना आपकी, इसको आप कहते हैं -3.7। अगला है 3.2, यानी 3 से आगे और 4 से पीछे, तो इसको भी आप इसमें 9 लाइनें ड्रॉ करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वीं लाइन है। अब इसमें आपके जो नंबर है वो 3.2 है, यानी 1, 2 दूसरी जो लाइन है ना इसको आप सर्कल कर लें, ये 3.2 आ गया। नेक्स्ट है -1.4, यानी -1 और -2 के दरमियान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10वीं लाइन ये है। अब ये आपकी चौथी लाइन है, तो ये 1, 2, 3 और ये 4, ये वाली जो लाइन है ये -1.4 है। नेक्स्ट है -4.5, तो -4.5 जो होगा -4 और -5 के दरमियान होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वीं लाइन। अब यहाँ से आप काउंट करना शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी लाइन जो है वो है -4.5। तो जब भी डेसिमल में नंबर हो तो आपने 10 लाइनें लगानी, यानी 9 लाइनें दो नंबरों के दरमियान लगाएं और 10वीं लाइन अगला नंबर होगी। सी पार्ट है -4/5, -2/3/5, 1/5, 1/2/5 और 4/4/5। सबसे पहले यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट कर लें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो यह आ जाता है 5 × 2 × 10, 10+3 = 13, तो ये हमारे पास नंबर आ गया -13/5, 5 × 1 × 5 + 2 = 7/5, 5 × 4 × 20 = 24/5। तो हम तो ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब इसमें जो पहला नंबर है वो है -4/5। अब -4/5 आपने याद रखना है, जब भी कोई आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जैसे ये -4/5, तो यहाँ पे इसके पीछे कोई नंबर नहीं है, तो याद रखना 0 है, ठीक है। तो अब ये नंबर जो होगा ना -4/5, ये होगा 0 और -1 के यहाँ सेंटर में। तो आप कैसे करेंगे, देखिए ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, आपने क्या करना है, 0 और -1 के दरमियान इतनी लाइंस ड्रॉ करनी है, यानी 5 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1, 2, 3, 4 और ये पांचवी लाइन अगला नंबर है। यानी आपने ये जो भी नीचे नंबर होगा 5 है तो आपने 4 लाइनें ड्रॉ करनी है और पांचवी लाइन जो होगी वो नंबर अगला होगा, ठीक है। तो अब आपने मार्क करना है ऊपर वाला नंबर, तो वो है 1, यहाँ से गिनना शुरू करें 1, 2, 3, 4, इसको आप दायरा लगा के कह दें ये है -4/5। अब अगला नंबर है -2/3/5, तो -2 यानी ये -2 आ गया। अब इसके आगे 3/5, यानी आपने क्या करना है, ये -2 से लेके -3 तक जो है इसके 5 हिस्से करने हैं। कैसे करेंगे, आपने 5 है ना नीचे, तो आपने इसकी 4 लाइन लगानी है, 1, 2, 3, 4, पाँचवीं ये लाइन होगी। बहरहाल यहाँ से देखें एक हिस्सा ये हो गया, 2, 3, 4 और ये 5 हिस्से हो गए। ऊपर वाला नंबर क्या है, 3, तो यहाँ से काउंट करें 1, 2 और ये 3, इसको सर्कल कर ले, ये आपका नंबर है -2/3/5। नेक्स्ट है 1/5। अब 1/5 जो है वो जाहिर से बात है वो 0 और 1 के यहाँ सेंटर में कहीं होगा, नीचे 5 है तो आपने 4 लाइनें लगानी है, 1, 2, 3 और ये 4। अब ये 4 लाइनें लगी, ऊपर वाला नंबर है 1 है तो यहाँ से काउंट करें 1, इसको सर्कल कर लें, ये आपका नंबर है 1/5। नेक्स्ट है 1/2/5। 1/2/5 से मुराद है ये 1 से आगे है और 2 से पीछे यहाँ पे नंबर है 1 और 2 के दरमियान। तो नीचे वाला नंबर देखें 5 है तो आपने 4 लाइनें इसकी ड्रॉ करनी है सेंटर में, 1, 2, 3, 4, और ऊपर वाला नंबर काउंट करें 1 और 2, जो वो नंबर होगा वहाँ पे आपने दायरा लगा देना है, ये लिख दें 1/2/5। नेक्स्ट है 4/4/5, तो ये 4 से आगे बनेगा, पॉजिटिव नंबर है और उसके आगे है 4/5, तो ये 4 और 5 के दरमियान आ जाएगा आपका नंबर। और यहाँ पे आपके पास नीचे नंबर है 5, तो आपने 4 लाइनें ड्रॉ करनी है, 1, 2, 3 और ये 4, और ऊपर वाला नंबर क्या है 4 चेक करते हैं, यहाँ से काउंट करें 1, 2, 3, 4, ये जो 4 है फोर्थ लाइन है इसको आपने सर्कल कर लेना, 4/4/5, ये आपका नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज़ दी सिंबल लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल। पार्ट ए है हमारे पास
67 एंड 76 दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो 67 76 से लेस है, जाहिर सी बात है 67 76 से छोटा होगा। बी पार्ट है माइनस 18 एंड माइनस 9, और नेगेटिव माइनस 18 और माइनस 9 आपस में क्या है एक दूसरे से, माइनस 18 देखें नेगेटिव नंबर है, बड़ा नंबर है माइनस 9 से, वैसे तो 18 9 से बड़ा है, लेकिन क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का साइन है तो माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है उतना वो छोटा होता है। सी पार्ट है माइनस 5 एंड प्लस 2, देखें नेगेटिव नंबर हमेशा याद रखना वो पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। डी पार्ट है 5/10 है एक तरफ और दूसरी तरफ आपके पास 0.5 है, देखिए ये जो 5/10 है ये और दूसरी तरफ है 0.5, तो अगर मैं 5/10 को डिवाइड कर दूं, 5 को 10 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आता है 0.5। अब 0.5 0.5 के बराबर है। ई पार्ट है माइनस 4/5 एंड 1/2, ये नेगेटिव फ्रैक्शन है ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, माइनस वाला नंबर हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव वाले नंबर से। एफ पार्ट है 3/7 एंड 11/14, तो यहाँ पर आपके पास दो फ्रैक्शन है दोनों पॉजिटिव है, तो इसका तरीकाकार ये कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाता है 42, यहाँ लिख लें, और 7 को 11 से करें तो 77। अब 42 जो है वो 77 से छोटा है, तो 42 की जगह पे वापस सवाल लिख दें दरमियान में लेस का साइन, और 77 की जगह वापस ऊपर से सवाल लिख लें 11/14, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है 3/7 जो है ये 11/14 से छोटा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कंपेयर एंड अरेंज द गिवन नेचुरल रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे आपके पास नंबर्स है जिनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, तो ये आपके पास नंबर है माइनस 17 माइनस 2 प्लस 14 माइनस 4 और प्लस 10। अब यहाँ पे देखें कि नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो है माइनस 17, पहले वो आएगा, उसके बाद माइनस 4 फिर माइनस 2, अब प्लस में 10 और फिर 14, यानी ये छोटे से बड़ा जो है ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। बी पार्ट है 8.5 3.4 4.5 7.2 4.8 6.7 और 2.5, तो इसमें सबसे पहले हमने देखना है नंबर जो है डेसिमल से पिछला नंबर जो है वो चेक करते हैं, तो सबसे पहले 2.5 आ जाएगा, उसके बाद 3.4 आएगा। अब 4 वाले दो नंबर हैं, एक 4.5 4.8, तो 4.5 छोटा है 4.8 बड़ा है, उसके बाद आ जाएगा 6.7 फिर ये 7.2 वाला फिर 8.5 वाला नंबर। इसका डी पार्ट है 14 45 34 85 73 18 और 48, तो पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे, इसमें सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 14, फिर उसके बाद आ जाता है 18, फिर आता है 34, फिर हमारे पास आ जाएगा 45 फिर 48 फिर 73 और फिर 85 लास्ट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रैक्शंस है जिसको हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका आप एलसीएम ले लें, तो 12 का 3 का 2 3 9 और 9, तो इनका एलसीएम लेते हैं 2 6 टाइम्स 2 1 टाइम्स, और ये 3 9 9 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 2 3 टाइम्स 6 और बाकी जितने 3 और 9 जो ऑड नंबर इनको एज इट इज़ लिखें। अब 3 1 टाइम्स 3 1 टाइम्स और 3 3 टाइम्स लास्ट में आ जाएगा हमारे पास, अब इन सबको मल्टीप्लाई करें 2 2 टाइम्स 4 4 3 टाइम्स 12 12 3 टाइम्स 36, तो एलसीएम जो है हमारे पास वो 36 आ गया इसका। अब ये जितने नंबर्स हैं इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हम 36 बनाएंगे, उसके लिए लाजमी से बात है जैसे 5/12 है, तो अगर 5/12 का डिनोमिनेटर अगर मुझे 36 बनाना है तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर भी ये आ जाएगा 15/36। अगला है -2/3, इसको भी इसका डिनोमिनेटर भी 36 बनाना है तो नीचे 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी कर दूँगा -24/36। नेक्स्ट है -7/2, इसको भी हम करेंगे डिनोमिनेटर 36 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना है। अब 18 को 7 से करें तो आ जाता है 126 -126 और नीचे 36 आ जाएगा। अगला नंबर है 2/3, तो 2/3 को मल्टीप्लाई कर दें नीचे 12 से और ऊपर भी 12 से तो ये आ जाता है 24/36। नेक्स्ट हमारे पास है 4/9,
तो 4 over 9 को 36 बनाना है, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी कर देगी, आ जाएगा 16 over 36। नेक्स्ट नंबर है 8 over 9, तो 8 over 9 नीचे 9 है, उसको 36 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी कर देना है, ये आ जाएगा 32 over 36। अब मैंने जितने नंबर से फ्रैक्शन जो क्वेश्चन में गिवन थे इनके डिनोमिनेटर चेक करें, सेम कर लिए 36। अब आपने क्या करना है, इसके जो न्यूमरेटर है इसकी बुनियाद पर आपने इनको अरेंज करना है, मतलब पहला नंबर 15, फिर -24, फिर -126, फिर खाली 24, फिर 16 और फिर 32। ये मैंने सारे न्यूमरेटर लिख लिए तमाम नंबर्स के, इनमें से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना आप अरेंज कर लें। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, -126, उसके बाद आएगा -24, फिर उसके बाद आएगा 15, उसके बाद 16, फिर 24 और फिर लास्ट में 32। अब आप गौर करें कि -126 कहाँ से आया था, वो चेक करें, वो आया था -7/2 की मदद से। फिर उसके बाद -24 चेक करें, वो कहाँ से आया था, वो -2/3 का जो फ्रैक्शन था उधर से आया था। फिर 15 जो है वो कहाँ से आया था, 15 आया था 5/12 के फ्रैक्शन से। और 16 आया था हमारे पास न्यूमरेटर 4/9 वाले फ्रैक्शन का, 24 आया था हमारे पास 2/3 वाले फ्रैक्शन का, और लास्ट में 32 आया था 8/9 वाले फ्रैक्शन का। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इस फ्रैक्शन को जो है वो कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स बाय अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई के लिहाज से मैंने इसको कम्यूटेटिव लॉ लगाना है, तो पहले मैं प्लस के लिहाज से लगाऊंगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो 3.2 में आप 8.8 ऐड कर दें और दूसरी तरफ इनकी जगह चेंज कर दें, 8.8 को पहले लिखें और 3.2 को बाद में। अब इसको ऐड कर दें, 3.2 प्लस 8.8 तो हमारे पास आ जाता है 12 और दूसरी तरफ भी आ जाएगा 12, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई के लिए ऐसे भी करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 8.8 इज इक्वल टू 8.8 मल्टीप्लाई बाय 3.2। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 28.16 और दूसरी तरफ भी ये आएगा 28.16 और ये भी प्रूव हो चुका है। पार्ट जो बी है हमारे पास वो है 3/7 एंड 8/21। तो पहले प्लस करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ का जो एडिशन वाला लॉ है वो लिखते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 3/7 प्लस 8/21 इज इक्वल टू 8/21 प्लस 3/7। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं। 21 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 7 के टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 3 से करें, 3 टाइम्स 9, 21 के टेबल में 21 आता है 1 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे भी 21 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ 8 आएगा और यहाँ पे 9, 9 प्लस 8 होता है 17/21 और इधर भी आ गया 17/21 और ये प्रूव हो गया। अब मल्टीप्लाई के लिहाज से ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते 3/7 मल्टीप्लाई बाय 8/21 और यहाँ पे 8/21 मल्टीप्लाई बाय 3/7। अब यहाँ पे इसकी कटिंग होती है 3 1 times 3, 3 7 times 21, तो ऊपर आ जाएगा 8/7, 7 times 49, यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी 3 1 times 3 और 3 7 times 21, तो 7 7 times नीचे 49 और ऊपर 8 1 times 8, तो ये प्रूव हमने कर दिया। पार्ट सी है 2/11 और दूसरा नंबर है 5/44। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये मैंने लिख दिया, 2/11 प्लस 5/44 इज इक्वल टू 5/44 प्लस 2/11। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 44 दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 8, तो ये आ जाता है 13/44 और इधर भी आ जाएगा 13/44। अब इसको मल्टीप्लाई के लिहाज से ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसे कहते हैं 2/11 मल्टीप्लाई बाय 5/44 इज इक्वल टू 5/44, जगह चेंज कर दें, तो ये 2 1 बार 2 22 बार ऊपर आ गया, 5 1 times 5 नीचे, 11 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाता है 242। इधर इसी तरह कटिंग होगी 2 1 times 2, 22 times, ऊपर 5 और नीचे 242, तो ये हमने प्रूव कर दिया एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। अब इसका डी पार्ट है 1/2 एंड 2/5। तो सबसे पहले एडिशन के लिहाज से ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए,
1/2 + 2/5, अब इसकी जगह चेंज कर दे, दूसरी तरफ 2 + 5, 2/5 + 1/2, एलसीएम इसका आ जाएगा 10, 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार और 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 बार 4, इधर भी 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार, 2 2 बार 4 और 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार, 5 × 1 × 5, 9/10, 9/10, और ये हमारा आंसर सेम आ गया, तो ये प्रूव हो गया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई के लिहाज से, ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, तो ये आ जाता है 1/2 × 2/5 इज इक्वल टू, अब इसकी जगह चेंज कर दें, 2/5 / 1/2, 2 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/5, यहाँ पे भी 2 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/5, तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द गिवन रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हमें तीन पार्ट दिए हुए, तीन नंबर्स दिए हुए, 7/8, 3/16 और 5/8। तो हमने एसोसिएटिव लॉ करना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ जो है एडिशन के लिहाज से ही हमने लिख लिया, इसी के मुताबिक यहाँ पे हम नंबर्स लगा देंगे, 7/8 प्लस 3/16 प्लस 5/8। देखिए ए से मुराद आपका पहला नंबर, बी से मुराद दूसरा और सी से मुराद तीसरा नंबर है। सिर्फ यहाँ पे जो असल इशू है वो ये कि आपने ब्रैकेट के हिसाब से सॉल्व करना है, बी की जगह 3/16 और सी की जगह पे 5/8। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में चेक करें ज़रा, इस साइड पे ब्रैकेट जो है वो किसके अराउंड है, 7/8 प्लस 3/16, 7/8 प्लस 3/16। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास इस तरह आंसर आ जाता है 17/16, बाहर हमारे पास नंबर है 5/8, यहाँ पे है 7/8 प्लस, अब इस फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करते हैं, 3/16 प्लस 5/8, तो हमारे पास इधर आंसर आ जाता है 13/16। अब मैं इस तरफ जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करता हूँ, 17/16 प्लस 5/8, 17/16 प्लस 5/8, तो ये आ जाता है 27/16। और दूसरी तरफ देखते हैं, 7/8 प्लस 13/16, तो ये भी दूसरी तरफ भी आंसर आ जाता है 27/16। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो और डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, तो ये दोनों तरफ आंसर हमारा सेम आ गया। अब इसी सवाल को मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी कर लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, जहाँ प्लस लगाएं वहाँ मल्टीप्लाई लगा दें, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये मैंने एसोसिएटिव लॉ लिख दिया मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, अब यहाँ पर वही नंबर्स मैं इस्तेमाल करूँगा, 7/8 मल्टीप्लाई बाई 3/16 मल्टीप्लाई बाई 5/8, सिर्फ ब्रैकेट का जो है ना वो आपने चेंज करना है, 3/16 मल्टीप्लाई बाय 5/8। अब आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, यह आ जाता है 21/128 इंटू 5/8 इज इक्वल टू 7/8 मल्टीप्लाई बाय 15/16 को 8 से मल्टीप्लाई करें, तो यह आ जाता है 128। अब आप ऊपर 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 105 और नीचे आ जाता है 128 × 8, 1024। इसी तरह यहाँ पे भी 128 को 8 से करें 1024 और ऊपर 15 को 7 से करें तो 105, तो ये भी प्रूव हो गया, सेम आंसर आ गया दोनों तरफ का। पार्ट बी है इसका, 1/3, 1/6 और 1/9, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह ही नंबर लगा लेते हैं, 1/3 प्लस 1/6, बाहर है 1/9 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9, सिर्फ आपने ब्रैकेट की जगह चेंज करनी है। अब पहली ब्रैकेट है 1/3 और उसमें प्लस करना है 1/6, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1/2 और बाहर है 1/9 इज इक्वल टू 1/3 प्लस, अब नंबर है हमारे पास 1/6 और उसमें प्लस कर दें 1/9, तो ये आंसर आ जाता है 5/18। अब आप एलसीएम ले लें या आप कैलकुलेटर की मदद से कर लें, तो ये आ जाता है 1/2 प्लस 1/9, तो इसका आंसर आ जाता है 11/18 और यहाँ पे भी आ जाएगा 11/18, तो दोनों तरफ का आंसर सेम आ चुका है और ये प्रूव हो गया। अब इसी सवाल को हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया एसोसिएटिव लॉ का मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/9 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/9।
तो ये आ जाता है 1/18 मल्टीप्लाई बाय 1/9 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/9 सिक्स टाइम्स 54। तो ये हमारे पास आ जाता है 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे 162 और दूसरी तरफ भी 162 और ऊपर 1, तो ये दोनों तरफ का आंसर सेम आ गया। तो यहाँ लिख दे प्रूव। पार्ट सी जो है हमारे पास, उसमें मैंने एसोसिएटिव लॉ प्लस और मल्टीप्लाई दोनों के लिए ऐसे लिख लिया। पहले मैं प्लस के लिए ऐसे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ए से मुराद आपका पहला नंबर, बी से मुराद आपका दूसरा नंबर है और सी से मुराद आपका तीसरा नंबर है। सिर्फ ब्रैकेट्स को आपने चेंज करना है और आपने जो है वो कुछ भी नहीं करना। बाकी कैलकुलेशंस हैं, 15/84 आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में। अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, 12/21 और उसमें प्लस कर दें 23/42। तो आपके पास यहाँ से इस ब्रैकेट से आ जाता है 47/42 प्लस बाहर नंबर है 15/84। यहाँ पे आ गया 12/21 प्लस, अब इस इन दो नंबर्स को ऐड कर दें 23/42 और आ गया हमारे पास 15 और नीचे है 84, तो ये आ जाता है 61/84। अब मैंने इन दो नंबर्स को ऐड करना है 47/42 और इसमें प्लस कर दूंगा 15/84, तो इसका आंसर आ जाता है 109 और नीचे 84। दूसरी तरफ भी आ जाएगा 109 और नीचे 84। ये आपने प्रूफ कर दिया। अब मल्टीप्लाई के लिए ऐसे करते हैं, 12/21 मल्टीप्लाई बाय 23/42 मल्टीप्लाई बाय 15/84 इज इक्वल टू 12/21 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लगाएं 23/42 मल्टीप्लाई बाय 15/84। तो ये तीनों नंबर्स लिख लिए, ब्रैकेट को बस आपने ध्यान रखना है। अब आप 12 को मल्टीप्लाई करें 23 से तो ये आ जाता है 276 और नीचे 21 को मल्टीप्लाई करें 42 से तो ये आ जाता है 882। इसको मल्टीप्लाई करना है बाहर वाले नंबर से, दूसरी तरफ 12/21 ऐसे ही आएगा और मल्टीप्लाई कर दें 23 को 15 से, ये आ जाता है 345 और नीचे आएगा 42 × 84, ये आ गया 3528। तो अब ये जो दो फ्रैक्शंस हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं 276 मल्टीप्लाई बाय 15, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 4140 और नीचे 882 मल्टीप्लाई बाय 84 कर दें तो ये आ जाता है 7408। दूसरी तरफ 345 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो ये आ जाता है 4140 और नीचे 3528 को मल्टीप्लाई कर दें 21 से तो ये आ जाता है 7408। तो ये दोनों तरफ आंसर सेम आ चुका है तो ये प्रूव हो गया। बहरहाल ये मज़ीद अगर आप चाहें तो इसको अगर डिवाइड करें तो ये रिड्यूस हो जाता है, यानी इसकी कटिंग हो जाती है 115/2058 और दूसरी तरफ भी 115/2058। तो अगर आप चाहें तो ये भी स्टेप आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि कटिंग करके ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, प्रूव द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो अब हम करेंगे 8/15, 5/6 और 7/9। तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो है वो हम पहले लिख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। इसी तरह इसकी जो सब्ट्रैक्शन वाली है वो है ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है। बहरहाल अब हम ये नंबर्स इसमें लगा के तो इसको सॉल्व करते हैं। ए की जगह आपने पहला नंबर लिखना है, बी की जगह दूसरा नंबर और सी की जगह तीसरा नंबर। सेम आप यहाँ पे भी करें, 8/15 मल्टीप्लाई बाय 5/6 प्लस फिर ए की जगह पे आ जाएगा 8/15 मल्टीप्लाई बाय 7/9। अब इस तरफ पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करते हैं, यानी 5/6 प्लस 7/9 तो ये आ जाता है 20। पास इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए कटिंग हो जाती है 5 1 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 9 प्लस यहाँ पे कटिंग नहीं होती तो 8 7 टाइम्स होता है 56 और नीचे
15 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है 135। तो अब इन दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को 29 से मल्टीप्लाई कर दें, या इसकी कटिंग कर सकते हैं यहाँ पे 29 टाइम्स टू 4 टाइम्स, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें या जाता है 116, और नीचे 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 135। दूसरी तरफ आपने 9 का और 135 का एलसीएम लेना है तो आपके पास आ जाएगा 135, और 9 के टेबल में 135 आता है 15 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करें, 15 4 टाइम्स 60 प्लस 135 के टेबल में 135 आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 116 ओवर 135, और यहाँ पे भी आ गया 116 ओवर 135। बहरहाल अब माइनस वाले पे आते हैं, 8 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 6 माइनस 7 ओवर 9 इज इक्वल टू 8 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 6 माइनस 8 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 9। तो ये पहला स्टेप हमने लिख लिया, ए की जगह पहला नंबर, बी की जगह दूसरा, और सी की जगह तीसरा नंबर। अब हमने करना क्या, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास ये दो फ्रैक्शन है 5 ओवर 6 और इसको माइनस करना है 7 ओवर 9, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1 ओवर 18। दूसरी तरफ है 8 ओवर 15 इंटू 5 ओवर 6, तो इसका आंसर आता है 4 ओवर 9, कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसकी कटिंग नहीं होती, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 135, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8 1 टाइम्स 8, इसकी कटिंग कर लें 2 4 टाइम्स और 2 9 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ जाता है ऊपर 4 1 टाइम्स 4, और 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 135। और यहाँ पे 9 के टेबल में 15 आता है 135 आता है 15 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 15 से करें 4 15 टाइम्स 60 माइनस 56, तो ये आ गया 4 ओवर 135, और इस तरफ भी आ गया 4 ओवर 135। तो ये हमने दोनों जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं ये प्रूव कर दिए। पार्ट बी एस का 11 ओवर 24, 19 ओवर 36 और 5 ओवर 9। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाला भी हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर, और सब्ट्रैक्शन वाला भी करेंगे। और अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला भी लिख लेता हूँ, तो पहले हम एडिशन वाला सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन वाला। ए की जगह आ जाएगा 11 ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय बी की जगह 19 ओवर 36 प्लस 5 ओवर 9 इज इक्वल टू 11 ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय 19 ओवर 36, सेंटर में प्लस, फिर ब्रैकेट 11 ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 9। तो अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 11 ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय 19 ओवर 36 प्लस 5 ओवर 9, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 13 ओवर 12। सॉल्व करके आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे 11 इंटू 19, ये आगे ऊपर 209, और नीचे 24 को आप 36 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाता है 864, सेंटर में प्लस है, 11 को 5 से करें 55, और नीचे 24 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 216। बहरहाल यहाँ पे हम इन दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, 11 इंटू 13 ऊपर आ गया 143, और नीचे 24 इंटू 12 तो ये आ गया 288। अब यहाँ पे 209 और नीचे हमारे पास है 864, इसमें प्लस कर दें 55 और नीचे 216 तो ये आ जाता है 143 ओवर 288। ये कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो एलसीएम लेके इसको डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे है 11 ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय 19 ओवर 36 माइनस 5 ओवर 9 इज इक्वल टू 11 ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय 19 ओवर 36 माइनस, फिर ब्रैकेट लगा दें, 11 ओवर 24 माइनस मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 9। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो पहले ब्रैकेट्स हैं इनको आप सॉल्व कर लें। यहाँ पे 19 ओवर 36 माइनस 5 ओवर 9, इसका आंसर आता है हमारे पास माइनस 1 ओवर 36, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता है 209 ओवर 864 माइनस 55 ओवर 216। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 11 ओवर
24 into 36 आ जाता है 864। दूसरी तरफ है 209 डिवाइडेड बाय 864 माइनस 55 ओवर 216, तो इसका भी आंसर आ गया माइनस 11 ओवर 864। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। पार्ट सी है हमारे पास 2 ओवर 3, 7 ओवर 10, 17 ओवर 13। तो उसी तरह हम लिख लेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। दूसरी तरफ हम माइनस वाला लिख लेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो यहाँ पे ए की जगह 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 10 प्लस 17 ओवर 30 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 10 प्लस 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 17 ओवर 30 और ब्रैकेट बंद। तो ये आ जाता है 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे है हमारे पास 10 और इसमें हमने ऐड कर देना है 17 ओवर 30। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 19 ओवर 15। यहाँ पे आ गया 14 और ये कैंसिलेशन कर दें 2 1 times 2 5 times, तो ये आ जाता है आपके पास 7 ओवर 15, जबकि यहाँ आता है 2 1 times 2 15 times, तो ये आ जाता है 17 ओवर 15 3 times 45। तो ये आ जाता है नीचे 45 और ऊपर आ जाता है 19 2 times 38, जबकि 7 ओवर 15 में अगर हम ये फ्रैक्शन ऐड कर दें 17 ओवर 45, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 38 ओवर 45। दोनों तरफ का आंसर सेम आ गया, तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब इस तरफ आते हैं, यहाँ पे ए की जगह पे 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 10 माइनस 17 ओवर 30 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 10, सेंटर में माइनस 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 17 ओवर 30। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 7 ओवर 10 माइनस कर दें 17 ओवर 30, तो इसका आंसर आता है 2 ओवर 15, जबकि दूसरी तरफ यहाँ आ जाएगा 7 ओवर 15 माइनस, इसकी कैंसिलेशन कर दें तो यह आ जाता है 17 ओवर 45, और यहाँ पे भी हमने कैंसिलेशन की है। तो इधर 7 ओवर 15 माइनस 17 ओवर 45, तो इसका आंसर आ जाता है 4 ओवर 45 इस साइड का, और यहाँ पे भी 2 2 times 4 और नीचे 3 15 times 45, दोनों तरफ का आंसर सेम आ गया, तो ये भी प्रूव हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, अब जिसमें हमने सिंपलीफाई करना है। पार्ट ए है 9 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 5 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 2, ब्रैकेट बंद कर देनी है। अब सबसे पहले हमने सॉल्व करना है और इसके ऊपर बार भी है, तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। बार को सॉल्व करने का तरीकाकार यह है कि अगर बार के पीछे माइनस का साइन है तो बार के नीचे वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ये हमने काम कर दिया और बार को रिमूव कर दें। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो राउंड ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट यहाँ पे हमारे पास इसमें माइनस हो रहा है तीन फ्रैक्शंस, तो मैं एक लाइन लगा लूँगा 236 का एलसीएम ले लूँगा, तो ये आ जाएगा 6 एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 3, तो 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 3 0 हो जाता है। सो 9 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 4 प्लस, ये ऊपर आ गया 0 और नीचे 6, और ये मैंने राउंड ब्रैकेट खोल दिया। अब 0 डिवाइडेड बाय 6 होता है 0, तो ये हो गया 9 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 4, और 1 ओवर 4 ये 0 डिवाइडेड बाय 6 0 होता है, तो ये मैंने कर ली ब्रैकेट खोल दी है। बहरहाल यहाँ पे 1 ओवर 5 और 1 ओवर 4 है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20, और 0 जो है वो प्लस करेंगे तो 0 ख़त्म हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 5, तो यहाँ हो जाएगा 9 ओवर 20 माइनस 9 ओवर 20। तो सेम नंबर से अगर हम माइनस कर दें तो 9 ओवर 20 को 9 ओवर 20 से माइनस कर दें तो ये 0 आता है। पार्ट बी है 5 1 ओवर 4 डिवाइड 3 ओवर 7 इंटू 45 ओवर 24 माइनस 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 5 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5।
तो इसमें सबसे पहले हम ये राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि उसका क्या आंसर आता है 45/24। और राउंड ब्रैकेट में पहले हमारे पास यहाँ पे है तीन फ्रैक्शंस, तो 6, 3 और 24 का हम एलसीएम ले लेंगे। और तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 24। तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, नीचे आ गए। तो 24 के टेबल में 1 टाइम आता है तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स तो ऊपर वाले नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 के टेबल में 24 आता है 4 टाइम्स तो ऊपर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 21/4 डिवाइडेड बाई 3/7। यहाँ पे हम देखते हैं कि 45 + 20 = 65, और 65 में से 16 माइनस कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 49/24, और आगे है मल्टीप्लाई बाई 2/5। अब ये जो बाहर नंबर है और जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आंसर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको हिस्सा लिख सकते हैं 21/4 डिवाइडेड बाई 3/7 मल्टीप्लाई बाई 49/24 मल्टीप्लाई बाई 2/5। तो सबसे पहले जहाँ पे डिवाइड का साइन है उसको हम सॉल्व करेंगे, तो अगला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल ले लेंगे उसका। और ये हमारे पास अब जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनके दरमियान मल्टीप्लाई का निशान है, तो हम देखेंगे कटिंग अगर कहीं पे होती है तो वो कर देते हैं। तो ये देखें 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, इसके अलावा 3 7 टाइम्स और 3 1 टाइम्स, ये होगी कटिंग। और इसके अलावा मज़ीद जो है इसकी कटिंग जो है वो हमारे सामने नहीं होती, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। 7 7 टाइम्स और इंटू 49 या था 2401, जबकि नीचे है 2 × 24 × 5 या था 240। अब इसको डिवाइड करें ताकि ये क्योंकि इम्प्रॉपर है, ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा है, तो 2401 को डिवाइड कर दें 240 पे, तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाता है वो है 10/1/240। ये इसका आंसर है मिक्स फ्रैक्शन में। पाइप्स दैट आर 7 1/6 मीटर एंड 4 3/4 मीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ दी टोटल लेंथ। तो सबसे पहले आप टोटल लेंथ के लिए क्या करेंगे, ये दोनों जो रीडिंग्स हैं इनको आप ऐड कर देंगे इस तरह। तो इसको 7 6 times 42 + 1 43/6, और ये हो जाएगा 4 4 times 16 + 3 19/4। इन दोनों का एलसीएम ले ले 24 आ जाएगा, और 43 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो यह आता है 172, और 4 के टेबल में 24 आता है 6 टाइम्स तो ऊपर वाले नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ गया 114। इन दोनों को ऐड कर दें 172 + 114, यह आ जाता है 286 और नीचे है 24, तो इसको डिवाइड कर दें तो ये कटिंग हो जाती है इसकी, यह आ गया 143/12। मज़ीद इसको अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो इसका आंसर आ जाएगा 11/11/12। अभी इसका एक और पार्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ। तो अगर आप डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, डिफरेंस के लिए इन दोनों को माइनस कर दें, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, दरमियान में माइनस लगा दिया, तो ये आ जाएगा 43/6 - 19/4। अब इन दोनों को माइनस करना है, ऊपर 172 - 114, तो 172 - 114 हमारे पास आ जाता है ऊपर 58 और नीचे 24। इसकी कटिंग देखते हैं अगर होती है हमारे पास तो यह आता है 29/12, 2 के टेबल से कटिंग हो गई है, और 29/12 को अगर हम लिखें तो मिक्स फ्रैक्शन में तो हमारे पास आ जाता है इसका आंसर 25/12। ये इसका आंसर है मिक्स फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, अमार परचेज 5 1/2 liters ऑयल, ही डिवाइड्स ऑयल इक्वली इंटू 4 कैंस, हाउ मच ऑयल विल बी देयर इन ईच कैन। ऑयल इन ईच कैन, हर कैन में ऑयल होगा, कैसे कितना होगा, 5 1/2 टोटल ऑयल है, इसको डिवाइड कर दें हमने 4 कैंस में, तो 2 5 times 10 + 1 11/2 डिवाइड बाई 4। अब डिवाइड का साइन हो तो आपने इसको चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और अगला नंबर क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, क्योंकि 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, ये उलट होकर 1/4 हो जाएगा। 11 1 times 11 और नीचे आ जाएगा 4 2 times 8, इसको डिवाइड कर दें, तो 11 को आप अंदर रखें, 8 को बाहर, 8 1 times 8, इसमें से बच गया 3, ये आ गया 1, नीचे 8 आ जाएगा और ऊपर 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर है 1 3/8। इसी के साथ एक्सरसाइज जो यूनिट चेक 1 है रैशनल नंबर की, वो कंप्लीट सॉल्व कर ली है।
आप तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और कमेंट्स जो है वो लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।